नमस्कार, ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? रोहतास नगर। रोहतास नगर, क्या है इस बार माहौल? माहौल तो नहीं, मिलता जुलता ही है। वैसे वैसा आम आदमी का ज्यादा माहौल है यहाँ। और आम आदमी के अलावा बीजेपी है। सरिता सिंह ने कोई काम वाम तो नहीं किया? मगर अब तो कर रही है, 3 महीने के बाद तो कर ही दिया, जो 3 महीने पहले तो शुरुआत कर रही है, काम चल ही रहे। नाले का तो कोई उद्धार नहीं हुआ इसका? नाले का सिर्फ ये नाले का ये पुलिया का उद्धार हो रहा है और कुछ नहीं हुआ अभी। कोई बड़ा काम तो नहीं दिख रहा? नहीं, नहीं बड़ा काम तो हुआ नहीं, वैसे तो काम चल ही रहा है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विजय कुमार है जी। हाँ जी, क्या रहेगा माहौल इस बार? माहौल मिला जुला ही है जी। स्पष्ट नहीं है कुछ भी? हाँ, स्पष्ट नहीं है कुछ भी, नहीं 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 वो तो कहने के लिए विधायक के तो ये तो कहने के लिए अभी टाइम देखो क्या होता है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। क्या रहेगा माहौल? तो माहौल देखो जी, वक्त बताएगा, क्योंकि अभी जो है ना मिक्स है। मिक्स है? हाँ। बीजेपी का नहीं है? नहीं, बीजेपी का नहीं है, आम आदमी का भी नहीं है, बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, मिक्स है। कांग्रेस का है बहुत कुछ, बिल्कुल बढ़ेगा। पहले से ज्यादा दिख रहा है क्या कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस का बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कांग्रेस का इस रोहतास नगर विधानसभा पे तो बढ़ रहा है जी। रोहतास नगर में? हाँ जी हाँ। वोटर का उन्होंने सम्मान करा था विपिन शर्मा जी ने, जो बात है, कोई नाराज होगा नहीं गया था। जो सरिता सिंह आई थी 5 साल में, इन्होंने से बहुत नाराज है पब्लिक, इन्होंने काम नहीं करा। आपके बेर तो क्या शुभ नाम? मेरा नाम राजेश है। राजेश? हाँ। तो राजेश, क्यों लग रहा है आपको माहौल बदल रहा है? क्योंकि काम नहीं करा, जनता तो काम चाहती है, जनता को पैसा तो चाहिए नहीं, काम ही चाहिए, मोर पे एक साइन करवाने जाती है, बस ये काम है। लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बिल माफ कर दिए और फलाना। आपने करा से जब साढ़े चार साल थे, जबकि उन्होंने माफ क्यों नहीं करा? जो अब 3 महीने के अंदर बिल माफ करा है। 3 महीने के अंदर? हाँ जी। आप बताएं, आप थोड़ा सा आगे हैं, कोई बात नहीं, मुस्लिम कर रही है बस। हाँ, हिंदू मुस्लिम कर रही है वो, सारे काम खत्म कर दिए बीजेपी ने। ना कोई काम ना कोई धाम, भटकता फिरा आदमी पूरे दिन। अब पहले इतना काम था भाई कि रोड पे आदमी घर से निकल गया, शाम को 500 तो लेके जाएगा, अब तो पल्ले से 1000 खर्च करके जाता है शाम तक। कहीं पे कोई परेशान दिख जाए तो उसे 100-200 देने पड़ते हैं। तो सरकार तो केजरीवाल के केजरीवाल की रोजगार क्यों नहीं है? जब सरकार उसके क्या कह रहा, आम आदमी पार्टी के रोजगार तो रहा ही नहीं है दिल्ली के अंदर, जबकि इन्हें तो फ्री का माल दिया है, फ्री का माल दीजिए हमारे। जो चीज केजरीवाल ने कर दिया, मैं सामने खड़ा हूँ, जो चीज केजरीवाल ने कर दिया 72 साल आज तक किसी ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। घर में जीरो बैलेंस पहुँचा किसी गरीब घर में? जीरो बैलेंस पहुँचा आज तक है? पर जो और विकास कार्य थे वो तो प्रभावित हो रहे हैं, मतलब नहीं है सारे। कितने गांड तक का जोर लगा ले, केजरीवाल अगर फिर आ गया ना, सबकी ऐसी तैसी कर देगा। केजरीवाल जिंदाबाद। कांग्रेस ने सत्तर फ्लाईओवर बनाए थे दिल्ली के अंदर। कांग्रेस ने अपना कोई झूठा वादा नहीं करा, क्योंकि नेशनल पार्टी है, झूठा वादा करेगी तो कहाँ जाएगी, क्योंकि ये तो दिल्ली के लिए है खाली। अभी तक किसने जो काम करे हैं सारे झूठे करे हैं। क्या बिजली पानी हमें पहले नहीं मिल रही थी? हमारे घर में दिया जल रहा था। जो फ्लाईओवर है दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी ने कोई काम ही नहीं छोड़ा शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर। अभी तक इसने अपना कौन सा क्या काम करा अभी तक बताओ? कोई हॉस्पिटल बनाया दिल्ली के अंदर? कोई स्कूल बनाया इसने? कोई काम ऐसा, कोई ऐसा बताओ ना जो इसने नया काम करके दिखाया हो। हाँ, मेरे को ये बताओ कोई, क्योंकि क्योंकि रोजगार है ना, क्योंकि जो रोजगार है वो तो सारा इसने खत्म ही कर दिया। क्योंकि क्योंकि जो भी रोजगार है वो तो सारा खत्म ही हो गया दिल्ली के अंदर। रोजगार तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, लोग बाग परेशान है। जबकि दिल्ली विधानसभा में पहले कांग्रेस भी रही थी, सिलिंग तो कांग्रेस के टाइम में नहीं लगी थी क्योंकि मेयर बीजेपी के थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मिला हुआ है इन्होंने, आम आदमी पार्टी, ये मिला हुआ है बीजेपी से। हाँ, मिला हुआ है। क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं किसी को? जिसे कह रहे ना, आज जैसे आज तो यहाँ के है भी नहीं जो बोल रहे थे, इनका वोट यहाँ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वोट स्टैम्प पेपर पे लगा के और अपनी मर्जी से देंगे। स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट माहौल नहीं है किसी का भी, मिला जुला माहौल है। अरे कहने बीजेपी की पार्ट में देखना, बीजेपी कहाँ जाएगी अब तो कह रहे कहीं भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह जी। माहौल तो जी बराबर बराबर का रहेगा। कौन आ रहा है? कोई भी आए बहुमत सिद्ध नहीं होगा जी, किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का बहुमत सिद्ध नहीं हो रहा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं जी, बहुमत सिद्ध नहीं हो रहा।
जैसे हरियाणा में था हल्ला मचाया 75 पार 75 पार वहाँ सरकार बनाने के लिए। कुछ भी हो जी, जनता को काम चाहिए। यहाँ की निगम पार्षद थी आम आदमी पार्टी की, दिखाई नहीं दी बिल्कुल भी क्षेत्र के जनता की। सरिता सिंह भी नहीं दिखती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तुम क्यों बोल रहे हो यार? देखिए, जब से यहाँ की विधायक जीत कर आई है, जनता के बीच में कभी नहीं आई है यहाँ पर। और हो सकता है अगर ये सीट हारेंगे तो अपने केजरीवाल जी ने कहा था काम जीतेगा, काम ही जीत कर आएगा। अगर इन्हों काम ठीक है तो जीत कर आएंगे, नहीं काम है तो नहीं जीत कर आएंगे। और सरिता सिंह जी भी यहाँ की रहने वाली नहीं थी, उससे पहले चुनाव लड़ी थी, मगर अब यहाँ पे भी कहा है कि रेंट पर ही रह रही हैं। पहले अशोक नगर में रहती थी, अब दुर्गापुरी में आ गई हैं, कभी ज्योति नगर में। उन्होंने का मैंने स्थाई पता ही नहीं पड़ता है, मैं स्थाई रेजिडेंस कहाँ पर है, कार्यालय का भी पता नहीं पड़ता। हम जाते हैं कभी भी, हमको कभी मिलती नहीं है, नहीं कभी भी नहीं मिली है। भाई यूँ कहते हैं कार्यकर्ता 11 बजे तक आ रही हैं, 11 बजे के बाद पहुँचते हैं कि भाई विधानसभा निकल गई, तो ये नहीं पता पड़ता कौन सी मिनट कौन सी सेकंड में आती हैं। क्या कहते हैं बताओ ना भाई, जब आओ ना। नहीं अरे आओ लाल, आओ आओ भाई साहब, अरे आओ ना। क्या शुभ नाम आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, हाँ जी। राजेश जी क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। कैसा चल रहा है काम? काम तो बेकार ही चल रहा है जब से मोदी जी आए। मोदी जी आए बिल्कुल। केजरीवाल जी वाला काम ठीक चल रहा है? केजरीवाल ने तो अभी शुरू किया है, अभी देखते हैं, और बढ़िया कर रहा है जहाँ तक उम्मीद है। 50% बढ़िया है, पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। अगर वो चाहता तो अपनी जॉब में लगा रहता, उसे देश सुधारने की जरूरत नहीं थी। क्या कर दिया है उन्होंने देश के लिए? देश के लिए ही, गरीब लोगों के लिए उन्होंने जितने भी मिडिल क्लास या गरीब लोग बदले हैं। आते ही उसने सबसे पहले तो पानी और बिजली के बिल माफ़ कर दिया, उसमें सब्सिडी दे दी बिजली में, ठीक है। रोडें बन रही है, आपके सामने सबूत है, लोग कह रहे हैं चुनाव से। ये नाला तो ऐसे ही पड़ा है भाई साहब। धीरे धीरे सारे काम धीरे धीरे ही होते हैं, एक साथ नहीं हो जाता है। उसने आते ही कह दिया था कि जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। जैसे उसने 50 दिन मांगे थे, आपने कितना टाइम दे दिया? सामने हट जाओ, कितना टाइम देना? 100 दिन मिले कर रहा है काम, देखो गलियों में जाके देखो काम हो रहा है। मैंने खुद देखे, मेरी गली बनी है, दूसरों की गलियां बनी है, जाके देखो वहाँ पे, आप खुद देखो, साथ में जाओ वहाँ। लो क्या कह जाएंगे तुम्हारे पास? बिल्कुल बेकार है भाई केजरीवाल। क्या शुभ नाम है आपका? थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम निर्मित अग्रवाल है। कैसा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? भाई हर चीज़ फ्री करने का सोल्यूशन थोड़ी होता है। फ्री 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 क्या फ्री? फ्री होने से क्या होता है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से करोगे फ्री? लोगों को रोजगार लाओ। एक चीज बताओ, आज बैंक मैनेजर है, उसकी तनख्वाह 1500 रुपए है, उसका बिजली का बिल फ्री आ रहा है, काय को आ रहा है? और जो गरीब आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, बिहार से कमाने वाला, 8 रुपए यूनिट दे रहा है किराएदार होके, काय का फ्री है? फ्री से कुछ नहीं होता भाई, देश सुधारने से होता है। उनने देश सुधारा है, उनने मोदी ने देश सुधारा है। आज हम सेना को कुछ समझते नहीं थे, कौन थी सेना, हमें पता नहीं कौन मर गया कौन जी गया। आज हमें ये पता है कौन सेना में मर गया कौन जी गया। आज हमें अपनी सेना की वैल्यू पता चली है। आज हमें लाइनों के धक्के से हटवा दिया उसने, बिजली के बिल जमा करने के, पानी की इतनी इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी, उससे हटा दिया है केजरीवाल ने। क्या फ्री फ्री? अच्छा कैंडिडेट का भी कोई फर्क पड़ेगा यहाँ चुनाव में? कैंडिडेट सरिता सिंह है भाई, हम 5 बार गए उसके पास, मैडम नौकरी दे दो नौकरी दे दो नौकरी दे दो। हाँ हाँ कल आ जाना, उस दिन आ जाना, हाँ रिज्यूम अपना जमा कर दो। पता नहीं मेरा रिज्यूम भी चूहे खा गए होंगे वहाँ तो बैठे बैठे, उनका तो पेट भर ही गया होगा, लेकिन नौकरी नहीं लगी मेरे भाई। नौकरी सब रोजगार देने के लिए मोदी ने कहा था, मोदी के शुरुआत में मोदी ने कहा था, देने का काम इनका भी है, सबका काम है। मेरे सामने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में व्यापार मेला लगा हुआ था, बंदे लाइन लगा के खड़े हुए थे। ये मेरे टाइम की बात है और मैं भी गया था वहाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बंदा अपनी मेहनत से मेहनत करेगा, जाएगा वहाँ पे, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में वो जाएगा वहाँ पे तुम्हारे लिए घर पे नहीं आएगा कोई भी, और तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे आके नौकरी नहीं देगा वो। आपने जो भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से वहाँ पे जाओगे। जब भाई सब फ्री हो जाएगा, डिपार्टमेंट तनख्वाह कहाँ से देगा? वो भी रख बंद करना भर्ती कर दिया उसने, जल बोर्ड है तनख्वाह कहाँ से देगा जब फ्री पानी आएगा तो? फ्री का कोई सॉल्यूशन नहीं होता मेरे भाई, एक लिमिट होनी चाहिए, कितनी लिमिट में दे दे इंसान।
गरीब है, ज़्यादा गरीब है, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये आ रही है महीने की, वो 200 रुपये दे दे, जिसकी 15,000 आ रही है 500 दे दे, लेकिन फ्री कोई सोल्यूशन नहीं होता हर चीज़ का, मतलब फ्री नहीं होता है। क्या कहते हैं भैया? मैं तो सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी, मैं तो कोई सी भी सरकार से खुश नहीं हूँ। मैं एक ठेली रिक्शा चलाने वाला हूँ तो जी, ये मेरे पांचवे छोरी छोरी है। कितना, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है वो सुभाष। मेरे को एक लड़की की शादी करनी थी तो जी, मैं जी आम आदमी पार्टी के वहाँ ऑफिस में वो गया था जी, आप मेरी कुछ मदद कर दो। ये तो जी आपके सरिता सिंह जी कहते हैं कि ये तो मरने वाले को मिलते हैं पैसे, हदत आप मर जाइए आपको मिल जाएंगे पैसे। हाँ जी बताइए, विधायक ने ऐसे बोल दिया? हाँ जी, मैं तो जी किसी पार्टी से भी खुश नहीं हूँ। क्या रहेगा इस बार यहाँ? अब जो भी रहे, वोट तो डालेंगे। हाँ वोट तो डालेंगे, पर मैं उसे डालूंगा कि जो जो ना ही वो जीतते, हाँ फेल हो जाए सरकार।